निशा और शेजान रोज यहाँ पर शूटिंग करते थे, यहीं पर से वो वीडियो आपको बता दें जो पोस्ट किया गया था इंस्टाग्राम वीडियो का। तुनिशा रोज शूटिंग करती थी, बहुत चहलकदमी होती थी। इस समय यहाँ पर पूरा सेट मतलब खुशगवार होता था, लेकिन आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। तुनिशा परेशान थी, मानसिक रूप से परेशान थी। सवालों की जो जो सुई है सबसे पहले वो जा रही है शेजान मोहम्मद खान के ऊपर। निशा और शेजान रोज़ यहाँ पर शूटिंग करते थे, यहाँ पर बहुत ही खुश मिजाज जो तुनिशा थी वो सेट पे दिखाई देती थी। यहीं पर से वो वीडियो आपको बता दें जो पोस्ट किया गया था इंस्टाग्राम वीडियो का, जो 5-6 घंटे पहले इस घटना के पहले उन्होंने पोस्ट किया था, यही वो जगह है। आप देख सकते हैं ये दास्ताने काबुल अली बाबा का सेट है, जहाँ पर रोज़ शूटिंग होती थी। बड़ी खुशी से तुनिशा यहाँ पर शूटिंग करती थी, बड़ी खुश मिजाज लड़की 20 साल की। इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये सवाल है। रिमांड पे पुलिस रखने की बात हो रही है, पुलिस क्या अपना लॉजिक वहाँ पर देती है कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। इसी जगह पर तुनिशा रोज़ शूटिंग करती थी, बहुत चहलकदमी होती थी। इस समय यहाँ पर पूरा सेट मतलब खुशगवार होता था, लेकिन आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं इसी सब जगह पे शूटिंग होती थी, लेकिन उस लड़की ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने, ये हर कोई जानना चाहता है। फैन से लेके फ्रेंड, इंडस्ट्री, हर कोई शोक में है, शॉक्ड है। और सबसे बड़ा सवाल जो सवालों के घेरे में है वो शेजान मोहम्मद खान हैं, जो बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं। तुनिशा की माँ ने भी सीधे सीधे उनको ही कसूरवार ठहराया है, ये कहा है कि खुदकुशी के लिए उन्होंने उकसाया है, वो परेशान करते थे उनको। सेट पे भी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कई सारे सूत्रों ने बताया है, हमारी रिपोर्टर ने भी देखा है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, बहस होती थी। पिछले कुछ दिनों से तुनिशा परेशान थी, मानसिक रूप से परेशान थी, क्या कारण था। लेकिन ये तो सवालों की जो सुई है सबसे पहले वो जा रही है शेजान मोहम्मद खान के ऊपर, इसीलिए उनको पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया हुआ है। और जो पुलिस है वो रिमांड में लेके शायद उनसे और भी आगे पूछताछ करे, जब तक इस पूरी मामले की तह तक वो नहीं पहुंचती। दूसरे केस के सर, जी सर, पुलिस के लोग भी आप देख सकते हैं कि अभी बच रहे हैं कुछ भी कहने से, क्योंकि जांच जारी है और कोर्ट में वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले को मजबूत तरीके से रखा जा सके, ताकि रिमांड जो है वो ली जा सके। जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि कोशिश ये है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक शेजान मोहम्मद खान को वो अपने रिमांड में रख सकें।